दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था, जो कि दोस्तों फिल्म सिनेमाघरों में पूरे के पूरे 4 दिन कंप्लीट कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों आज फिल्म को पूरी दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुए 5वां दिन चल रहा है और कहीं ना कहीं दोस्तों फिल्म के कलेक्शन में हमें काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म के आज यानी 5वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दोस्तों जानेंगे कि फिल्म का पूरे 5 दिनों में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ओवरसीज और पूरे वर्ल्ड से कितने करोड़ रुपए करीब कलेक्शन हो रहा है। वही जानेंगे इस फिल्म का बजट कितना है फिल्म को हिट होने के लिए और कितने करोड़ रुपए के करीब कलेक्शन करनी पड़ेगी। वही दोस्तों जानेंगे कि फिलहाल इस फिल्म को लेकर ऑडियंस के बीच कैसा हाइप और क्रेज बना हुआ है। सभी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो दोस्तों बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग अजय देवगन को दिल से लाइक करते हैं या फिर उनकी आप लोग वन साइड फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर दोस्तों बात करें फिल्म की आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता शुरू की दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को काफी लेंथी लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियंस का मैं रिव्यू आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोस्तों ऑडियंस का कह रहा है कि इस फिल्म में सीन कई बार रिपीटेड किए गए हैं जिससे दोस्तों इस फिल्म से ऑडियंस का इंटरेस्ट हट रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी ऑडियंस इस फिल्मों को देख रहे हैं बाहर आ रहे हैं देख कर इस फिल्म को सारे के सारे निगेटिव रिव्यूज देते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों निगेटिव रिव्यूज के इस फिल्म को काफी अफेक्ट पड़ रहा है। यकीन नहीं करेंगे कि दोस्तों जिस तरह इस फिल्म का बजट है वाकई में दोस्तों अपने रिलीज की एक भी दिन फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से कलेक्शन नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, हर दिन फिल्म की हमें कलेक्शन काफी डिजास्टर देखने को मिली है जो कि दोस्तों सीधे बता रहा है इस फिल्म का कलेक्शन ये फिल्म एक फ्लॉप मूवी होते हुए नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म के 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताया शुरू की नीरज पांडे के डायरेक्शन में फिल्म बनी हुई है। फिल्म एक लव स्टोरी रोमांटिक इमोशनल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों फिल्मों में हमें एक्शन भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को ना के बराबर पसंद आ रहा। अगर दोस्तों फिल्म की स्टोरी फिल्मों में किरदारों की एक्टिंग और परफॉर्मेंस ऑडियंस को नहीं पसंद आता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कभी नहीं चल पाती है। वहीं दोस्तों अगर बात करें फिल्म की आज यानी 5वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता चलूं कि जहां अपने रिलीज किया ओपनिंग डे पर ही फिल्म ने 1,85,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट ओपनिंग ली थी। तो वहीं दोस्तों फिल्म का हमें इंडिया से ग्रोस कलेक्शन देखने को मिला था ओपनिंग डे पर 2,25,00,000 रुपए करीब। फिल्म ने ओवरसीज से कमाई की थी ओपनिंग डे पर केवल 75,00,000 रुपए करीब। तो वहीं फिल्म का हमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ओपनिंग डे पर 3 करोड़ रुपए करीब देखने को मिला था। दूसरे दिन फिल्म ने दोस्तों लगभग 2,15,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही दोस्तों तीसरे दिन फिल्म का हमें कलेक्शन 2,75,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट देखने को मिला था। तो वही दोस्तों बता दें कि फिल्म का जहां हमें पूरे 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट देखने को मिला था 6,75,00,000 रुपए करीब। तो वही दोस्तों फिल्म ने इंडिया से ग्रोस कमाई की थी पूरे 3 दिनों में टोटल 8 करोड़ रुपए करीब। तो वही दोस्तों फिल्म का हमें ओवरसीज कलेक्शन पूरे 3 दिनों में देखने को मिला था टोटल 1.5 करोड़ रुपए करीब। तो वही फिल्म ने पूरी दुनिया भर से कमाई कर ली थी यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका था फिल्म का पूरे 3 दिनों में टोटल 9.5 करोड़ रुपए करीब। उसके बाद दोस्तों चौथे दिन फिल्म के हमें कलेक्शन में थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिला। लगभग दोस्तों 3,16,00,000 रुपए करीब फिल्म ने चौथे दिन इंडिया से नेट कमाई की थी। तो वही दोस्तों आज यानी अपने रिलीज के 5वें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है। दोस्तों चौथे दिन के कंपेरिजन में तो 5वें दिन फिल्म ना के बराबर कलेक्शन कर रही है। जी हाँ बता दें कि आज यानी 5वें दिन फिल्म लगभग 1,70,00,000 रुपए करीब इंडिया से नेट कमाई कर रही है जो कि दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फिल्म को ऑडियंस की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म के कलेक्शन से आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी डिजास्टर साबित होते हुए नजर आ रही है फिल्म में। तो वही बता दें कि फिल्म का पूरे 5 दिनों का हमें टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इंडिया से नेट देखने को मिल रहा है 11,08,00,000 रुपए करीब। फिल्म इंडिया से ग्रोस कमाई कर रही है पूरे 5 दिनों में लगभग 13,12,00,000 रुपए करीब। तो वही फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन हो रहा है पूरे 5 दिनों में टोटल 2,70,00,000 रुपए करीब। फिल्म पूरी दुनिया भर से कमाई कर रही है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है पूरे 5 दिनों में टोटल 16,73,00,000 रुपए करीब। दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए करीब और दोस्तों अभी इस फिल्म को 7 समुद्र पार करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो फिल्म ने कुछ कमाई ही नहीं की है, ऑडियंस की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म को, सीधे सीधे पता चल रहा है कि दोस्तों ये फिल्म फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। अगर ये फिल्म एवरेज साबित हो जाए तब भी बहुत है दोस्तों। वैसे कि आप लोग इस फिल्म को देख चुके और दोस्तों आपको ये फिल्म कैसे लगी हमें कॉमेंट्स में अपनी अपनी राय जरूर से बताइएगा। आउट ऑफ 5 स्टार में से इस फिल्म को आप कितने स्टार देना चाहेंगे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज किसी बड़े बस इतना, मिलते किसी करोड़ों के साथ इसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉक्स प्रोडक्शन और एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को लेकर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।